शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कीर्ति की शादी वरुण के साथ हो गई, चलो ठीक था, लेकिन श्रद्धा के जैसी संस्कारी लड़की की शादी निकम्मे अभय के साथ। श्रद्धा, श्रद्धा, मुंह की रोटियां आप तोड़े और बातें हमें सुनाए। आज ही उन्हें बताती हूँ कि जिस मुंह में वो रोटी डाल रहे हैं ना, उसी मुंह से आप हमें डस रही हैं। हम एक पल यहाँ पे नहीं रहेंगे, घूट इस घर का पानी नहीं पिएंगे, हम जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। अरे हटो यहाँ से, जाने दो हमें, हम बता रहे हैं। अरे ऋतु, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? भाभी, हम जा नहीं रहे, हम तो आ रहे हैं आपके यहाँ पर। अब हम यहीं रुकेंगे। यहीं रहेंगे? अब नहीं, हमारा मतलब है ऐसे अचानक। अचानक क्या है भाभी, हमारे पिताजी का घर है, बेटी को आने के लिए पूछना थोड़ी ना पड़ता है। नहीं, वो सही है, लेकिन आपकी वरुण के पापा से बात हो गई थी यहाँ रहने के बारे में। अभी बात क्या करनी है, पिताजी ने ये घर दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा किया हुआ है, पर उनके बीच में ना बहन को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। क्या बताए भाभी, सब तो कुआ होती है, बेटी के दिल की बात ना फट से समझ जाती है, मगर भाभियों के राज में तो वो सुखी कहाँ होता है। नहीं नहीं नहीं, हम आपके लिए नहीं कह रहे भाभी, आप तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी भाभी है हमारी, हम तो तनुजा भाभी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्या किया तनुजा ने? भाभी आपको नहीं पता, लहू के आते उनके रंग ढंग बदल गए, इतना घमंड आ गया उनके चेहरे पे, इतनी बातें हमें सुना दी, इतने ताने मारे हमें। आपको पता है वो अभय? अभय? अभय क्या? कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप थी ना, अब सबको चुप कराने के लिए मैंने भी एक फैसला लिया, तुम आज से नौकरी नहीं करोगी। जॉब पर जाने से मत रोकिए, मेरे लिए मेरा जॉब मेरा सपना है, मेरा जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो नौकरी कर लो या तो परिवार को संभाल लो। आप क्या कह रहे हैं, मैं इन दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं जॉब और घर दोनों संभाल सकती हूँ, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से निभाना जानती हूँ। प्लीज यार, ये देवी बनने का नाटक बंद करो, ये जो तुम अपनी अच्छाई चाशनी में लपेट के दिखाती हो ना, उससे मुझे डायबिटीज हो जाएगी। क्या तुम थक नहीं जाती हो इतना अच्छा बनने का नाटक करके? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? तुम बहुत अच्छी हो ना, तो अपने पति के दिए ऑर्डर को क्यों ठुकरा रही हो? आज के बाद तुम नौकरी नहीं करोगी, बस। श्रद्धा नौकरी करेगी। दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। या तो नौकरी करो और इस घर को छोड़ दो, या इस घर में रहो और नौकरी छोड़ दो।
अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। या तो नौकरी करो तो इस घर को छोड़ दो, या इस घर में रहो तो नौकरी छोड़ दो। अरे तुम अभी तक खाना बना रही हो तो ऑफिस कब जाओगी? मम्मी जी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं जॉब करने के लिए जाऊं तो घर पे नहीं आऊं वापस। अब अगर उन्होंने ये कह दिया है तो फिर मैं कैसे? बेटा अब तुम्हें ना अभय को समझना शुरू कर देना होगा। अरे वो तो गुस्से में था तो उसने ऐसे कह दिया होगा। मम्मी जी मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे हमारे रिश्ते पर असर पड़े। अब अगर मेरे इस फैसले से वो खुश नहीं है तो फिर मैं? पर बेटा मम्मी जी इन दिनों में इतना सब कुछ हुआ है ना, मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बेटा किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ना अभय को ना तुम्हारे मम्मी पापा को। लेकिन मम्मी जी। बेटा तुम काम काजी हो तो फैसला तो तुम ही लेना होगा, है ना? और सच कहें तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई मुझे कल ये कहे कि इतनी पढ़ी लिखी बहू को हम जबरदस्ती घर पे बैठा दिए। तो बेटा काम करना है या घर पे रहना, ये फैसला तो बस तुम ही ले सकती हो। लेकिन अगर इन्हें कोई? अरे बेटा ये घर अभय का नहीं है, हमारा है। हम भी देखते हैं कि कैसे वो तुम्हें यहाँ नहीं आने देता। अरे भाई तुम आत्मनिर्भर हो, तुमने तो शादी के पहले ही कह दिया था कि तुम्हें नौकरी करनी है, है ना? तो अभय का टेंशन तो मत लो, हम उसे देख लेंगे। मम्मी जी पर। अरे बेटा तुमने सलाद तो काटा ही नहीं। बेटा हम सलाद के बिना खाना नहीं खाते हैं, आगे से ध्यान रखना ठीक है? मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी करो और तुम्हें ऑफिस भी निकलना है ठीक है? चलो। अलार्म लगाने भूल गए। कीर्ति कीर्ति जल्दी उठो, मैं ऑफिस के लेट हो गया। उठो ना कीर्ति, उठो ना। शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन है, अगर लेट हो गया तो बॉस गुस्सा हो जाएगा। कपड़े भी प्रेस नहीं। कीर्ति एक काम करना ना, ये कपड़े प्रेस नहीं है, तुम प्लीज प्रेस कर दो ना, मैं बस जल्दी से नहा के आ रहा हूँ। ओके पांच मिनट और सो जाती हूँ। अभी तक सो रही हो? और ये कपड़े अभी तक प्रेस नहीं किए? आपको ऑफिस जाना, हमें थोड़ी जाना, हमें सोने दीजिए। मैं ही प्रेस कर लेता हूँ। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रहा था। नहीं नहीं मैं टाइम पे पहुंचाऊंगा। ओके ऐसे ही चला जाता हूँ।
तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो अभय का टेंशन तो मत लो, हम उसे देख लेंगे। तनुजा जी हम जा रहे हैं। अरे बेटा हो गए तैयार? जी हाँ। आप सुखी रहो, नाश्ता किया? जी। सिर्फ आपको फिक्र नहीं है बहू की, हमें भी है। बेटा अब तुम जल्दी जाओ, तुम्हें देरी हो रही है ना। भाभी और कितना टाइम लगेगा नाश्ता लेने में? बस बस आ गया ये दीजिए। हमें ये बताइए कि पराठे के साथ और क्या क्या है नाश्ते में? अरे दही और पराठे और चाय तो आप पी रही हैं, और क्या चाहिए? सिर्फ पराठे और चाय भाभी, दोनों बहनों में कितना फर्क है। हमें आंटी बता रही थी कि श्रद्धा ने पोहा सैंडविच पराठे इतनी चीजें बनाई है और आपकी बहू ने सिर्फ पराठे और चाय में ही निपटा दिया। नाश्ता कीर्ति ने नहीं हमने बनाया है। वही हम सोचे, पर भाभी बहू के होते हुए आपने नाश्ता क्यों बनाया? अच्छा हाँ, वरुण के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है तो पति की सेवा में लगी होगी। लो भाई या तो पति की सेवा कर ले या तो सास की। वरुण नाश्ता कर ले। ये क्या वरुण बेटा, शादी के बाद पहले दिन ऑफिस ऐसे जाओगे? ये कमीज तो देखो तुम्हारे बिना इस्त्री की। क्या कहेंगे ऑफिस वाले, दीदी ने शॉर्ट पे इस्त्री करके नहीं दी? ये क्या है, कीर्ति को प्रेस तक करनी नहीं आती क्या? मम्मी सुबह सुबह आप ये क्या बातें लेके बैठ गई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। अरे नाश्ता तो हम तो शुरू से बोल रहे थे दोनों बहनों में बहुत फर्क है। आप वाली देखिए बेगम नूरजहां बन के सो रही होगी अभी तक। कीर्ति ना समझ में नहीं आता क्या करे इस लड़की का। भाभी कुछ नहीं हो सकता आपकी कीर्ति का। देखा नहीं आपने कैसे वरुण उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा था? बीवी के पल्लू से बन गया है आपका बेटा। हम तो कह रहे लगाम कस के रखी वरना हाथ से जाएंगे आपके बेटे और बहू। हमने तो बता दिया, आपकी मर्जी बाकी। श्रद्धा तुम्हारी चोट कैसी है, दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? और मैं ठीक हूं, थैंक यू सो मच, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब किस्मत की बात थी, जो होना था वो हो गया। तुम बहुत बहादुर हो श्रद्धा, आजकल तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब तुम्हारा दफ्तर मेरे ऑफिस के रास्ते में, तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। क्यों तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते? मैं आपको खामखा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वैसे भी पहली बात हो रही है, मुझे रोज अकेले ऑफिस जाने की आदत है। श्रद्धा
क्या हो गया भाई? मम्मी आपने श्रद्धा को देखा? वो कहाँ है? हाँ सुबह में देखा था उसे। अरे अभी देखा क्या? अरे अच्छी बहू की तरह उसने घर का काम किया और फिर ऑफिस चली गई। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी हिम्मत देखो, वो ऑफिस चली गई। अच्छा पति हो तो पति पे धौंस जमाओगे तुम। मम्मी देखो हमने उसे मना किया था फिर भी मेरा बिना सोचे वो चली गई ऑफिस। तुमसे बिना पूछे? अरे तुम पति हो पर हम सास हैं और हमने उसे कहा कि वो ऑफिस जा सकती है और सास की बात तो वो टालेगी नहीं। जब मैंने कह दिया कि वो नौकरी नहीं करेगी तो बस नहीं करेगी। मैं अभी उसे दफ्तर से लेकर आता हूँ। खबरदार। जो तूने अपने पाँव घर से बाहर रखे एक बात हम तुमसे कह दे रहे हैं अभय, अगर तुम बहू को ऑफिस से लाने गए तो जब वापस आओगे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें इस घर में नहीं मिलेगी, समझे? कीर्ति, कीर्ति, मम्मी, कमरे में आने से पहले कम से कम नॉक तो करिए। क्या हो गया सुबह सुबह? सुबह सुबह 11 बज रहे हैं, आपके पति तैयार होकर ऑफिस चले गए लेकिन यहाँ आपकी अंगड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। ये नहीं कि वरुण की उठ के थोड़ी मदद ही कर दे, नहीं आप ऐसे ही आंखें मूंद के पड़े रहिए। वरुण जी को ऑफिस जाना था, हमें थोड़ी जाना था कि हम उठ जाते। अच्छी थोड़ी है वो कि हमारी हेल्प लगेगी। आपको नहीं लगा कि उठ के वरुण के लिए नाश्ता ही बना दूं? आज आपके राज में पहली बार वरुण बिना इस्त्री की हुई शर्ट पहन के ऑफिस चले गए। आपके राज में का क्या मतलब? आपने हमारी शादी वरुण जी से इसलिए कराई है कि हम उनके कपड़े प्रेस करें? आपने उन्हें कपड़े प्रेस करना नहीं सिखाया क्या? और शादी से पहले करते होंगे ना, शादी के बाद क्या बदल गया? आप पत्नी है उनकी, आपको नहीं लगता कि ये आपका फर्ज बनता है? फर्ज? हम उनकी पत्नी है तो आपको हमें उनकी नौकरानी बनाने का लीगल लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। वैसे भी हमारे पति अच्छा कमाते हैं, पैसे की कोई टेंशन है नहीं, तो नौकरानी रख लीजिए, हर दिन की चिपचिप खत्म हो जाएगी। अच्छा तो अब हम वरुण का काम करवाने के लिए एक नौकरानी रखें। तो उसमें गलत क्या है? प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं हम। बेटा काम का तो पता नहीं पर बहस बहुत अच्छी कर लेती हूँ। लगता है माँ ने सिर्फ जबान लड़ाना सिखाया है। बेटा लड़ाओ, जबान लड़ाओ। जबान लड़ाएगा मुझसे? मम्मी नहीं, सॉरी सॉरी मम्मी, सॉरी नहीं, सॉरी। क्या हुआ? बच्चे पे हाथ उठा रही हो? अरे हाथ तो आज आपका भी उठ जाएगा जब इसके नंबर देखेंगे आप। 15 में से दो नंबर आया इसके। सारा दिन मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। अरे कम से कम अपनी श्रद्धा दीदू की तो इज्जत रख ले। करो कितना मारोगी उसे? बब्बू हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। बस करो। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। अच्छा ये बताओ क्या हुआ है? अरे चिंता होती है हमें इसकी, ना इसका पढ़ाई में मन है और ना ही हमारा कहना मानता है। सारा दिन बस फोन फोन फोन, एकदम कीर्ति के जैसा होता जा रहा है। श्रद्धा यहाँ थी तो दोनों को संभाल लेती थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें कीर्ति और बबलू दोनों को नहीं संभालना पड़ रहा, सिर्फ बबलू को ही संभालना पड़ रहा। कीर्ति को तो श्रद्धा संभाल लेगी। इसी बात की तो चिंता है मुझे। आज से श्रद्धा का दफ्तर शुरू है, अब वो सारा दिन कीर्ति के आसपास थोड़ी ना रहेगी। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं वहां पर भी माँ की तरह सास को उल्टे जवाब ना दे। बुआ जी इसे जबान लड़ाना नहीं अपनी बात रखना कहते, और हर बात में ना बीच में हमारी मम्मी को मत लाया करिए। दो बेटियों को पालना बहुत मुश्किल का काम होता है, आपको क्या पता। हाँ हाँ सही कह रही हो, कभी जमीन आसमान का फर्क है दोनों बहनों में। क्या बोलना चाहती हैं आप? और मम्मी जी आपको किस बात की चिंता है? एक ही बेटा है आपका, उसकी भी शादी हो गई, अब एक नौकरानी रखने में इतनी संदिग्धता क्यों? सोने भाभी
ये लगाम तो आपके हाथ से छूट गई है, हमें लगता है ये अब हाथ नहीं लगेगी। जल्दी कुछ कीजिए। आपको छोटे बड़ों का लिहाज करना नहीं आता क्या? और देखिए फिर लेट गई। उठ गया है। खुश। ऐसे भी हमारी तो नींद ही खराब कर दी आपने। जा रहे हम फ्रेश होने। भाभी, हमें तो आपकी किस्मत पे रोना आ रहा है। कहाँ आप श्रद्धा जैसी समझदार बहू चाहती थी और कहाँ ये कीर्ति आपकी यहाँ की बहू बन गई। हम बता रहे हैं भाभी, इसकी जुबान ना चाकू से भी ज्यादा तेज है। और वहाँ तनु भाभी कुछ भी बोल ले, श्रद्धा उफ तक नहीं करती। हाय, तो तनु भाभी की तो लॉटरी लग गई है। दोनों हाथ घी में है। बहू घर का सारा काम तो करती है, साथ में कमाती भी है, और यहाँ ये कीर्ति। हाँ, आपकी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे अरे, हम तो सिर्फ बता रहे थे आपको। लो चली गई, किसी को सच सुनना ही नहीं है। अब जिसकी सुबह 11 बजे होती हो, पता नहीं शाम कितने बजे होगी। आ गई मैडम, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता कुछ लेकर आऊं? इतना सामान कैसे समेटोगी? ऑफिस का काम करके थक गई होंगी ना? आज तो सच मुझे बहुत थकी। ऑफिस में ना काम पेंडिंग था और कीर्ति, नवा तुम रो क्यों रही हो? वरुण जी, आपकी मम्मी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें ना हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी तो ताने मारती है, साथ में बुआ जी भी सुनाती है। हमारी किसी भी चीज से खुश नहीं होती वो। हम नहीं सुन सकते ये हर दिन के ताने। वैसे तुम्हें मेरी बातें तो ताने जैसी लगती होंगी। मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे कमरा साफ चाहिए था, तो जाने से पहले मैं कमरा साफ करके गई थी। हाँ तो तुम्हारे अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं और सामान फैल जाता है। और तुम्हें इतनी सफाई पसंद है तो अपने घर ही रहती ना, यहाँ क्यों आई? क्या हुआ, ऑफिस और घर एक साथ संभाल नहीं पा रही हो? को तो तुम बेला फुसलाकर ऑफिस निकल गई और यहाँ खड़ी होकर मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। ये आप गलत बात मत करिए। भला मैं आपको एटीट्यूड क्यों दिखाऊंगी? मैं कमरा साफ करके गई थी। इनफैक्ट मैं सारा काम और आपकी शर्ट तक प्रेस करके गई थी। कमरा साफ तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और मुझे ये शर्ट नहीं पहननी थी, मुझे ये टी शर्ट पहननी थी। उसको ढूंढने में सब कुछ फैल गया। हाँ सर, डिजाइन्स बिल्कुल तैयार है। जैसे क्लाइंट ने ब्रीफ किया था, मैंने बिल्कुल उसी डिजाइन को फॉलो करके बनाया है। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें डिजाइन्स पसंद आएंगे। इस जन्म का क्या, आने वाले 7 जन्मों में भी तुम अभय को मुझसे नहीं छीन सकती। तुम बस देखते जाओ श्रद्धा मैडम, मैं कैसे तुम्हें इस घर से दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकती हूं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।